तो ये जो है वो मेड इजी का गेट का 2025 का सिविल का PYQ है। तो इसे जो है वो आप देख सकते हो, काफ़ी जो है वो इससे इसमें डिटेल्स में चीज़ें दी गई हुई है। और ये मैं बता दूं कि ये बुक जो है मुझे 600 रुपीज़ में पड़ी है। तो 600 रुपीज़ में मैं कैसे इसे ख़रीदा वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, लेकिन आपको जो है वो इसका कॉन्टेंट दिखा देता हूँ। तो कॉन्टेंट जो है वो जैसे इसकी प्रीवियस वर्जन्स पे रहता है वैसा ही है। और क्या है कि इसमें जो है वो मुझे जो है वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, ये टॉपिक वाइज जो है वो आपको मीन्स मिल जाता है। तो चैप्टर वाइज आपको जो है वो फुल्ली क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये देखो टोटल 11 14 चैप्टर्स हैं इसमें, ओके कंटेंट में। और इसमें जो है वो आप देखोगे कि इस पहले वाली जो आती थी उसमें मैथ्स और एप्टीट्यूड नहीं रहता था, तो इसमें मैथ्स भी इंक्लूड किया गया हुआ है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मेरे पास तो एक बहुत पुराना वाला वर्जन था। और यहाँ पे आपको जो है वो कौन कौन से ईयर से यहाँ पे एनालिसिस जो है वो भी दिया गया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हो। ओके तो प्रीवियस ईयर गेट पेपर का एनालिसिस भी है। और ये चैप्टर वाइज रहता है, जैसे सॉलिड मैकेनिक्स का इतना हो गया। और देखो इसमें जो है वो जैसे हर साल का क्या होता है कि ऐड होता है ना, प्रॉब्लम्स तो कुछ ना कुछ आते ही हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, मीन्स ऐसा ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पे देखो जैसे 2024 का यहाँ क्वेश्चन इंक्लूडेड है, तो यही मुझे चाहिए था कि अगर मैं 2025 की तैयारी कर रहा हूँ तो 24 के क्वेश्चंस मुझे चाहिए, तो वो 24 के क्वेश्चंस यहाँ पे मेंशनड है, 24 के क्वेश्चन मेंशन है, 23 के क्वेश्चन मेंशनड है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसका जो है वो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, डिटेल सॉल्यूशन। तो ये जो है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब जैसे देखो ये जो है वो प्रॉब्लम 2023 में दो क्वेश्चंस आई हुई हैं, तो वो यहाँ पे इंक्लूडेड तो हैं ही, ये 2023 वाली यहाँ पे इंक्लूडेड तो हैं ही, साथ में 2024 वाली भी आपको इंक्लूडेड मिलेंगी। ओके तो हर चैप्टर का ऐसा ही है, जिस भी चैप्टर से प्रॉब्लम आया हुए हैं उसमें आपको प्रॉब्लम मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो 2024 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये कौन सा चैप्टर है, RCCA स्ट्रक्चर का है। तो यहाँ पे देखो 24 का 2 मार्क्स का सेट वन में, फिर 24 का 1 मार्क्स का सेट टू में, और यहाँ पर 24 का 2 मार्क्स का सेट टू में। तो ऐसा प्रॉब्लम्स आपको पूरा देखने को मिल जाएंगे। मुझे जो है वो एक चीज़ इसकी अच्छी नहीं लगी, वो थी इसकी पेपर क्वालिटी। पेपर क्वालिटी काफ़ी पतली है, अगर ये थोड़ी पेपर क्वालिटी मोटी रहती तो ये थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग आपका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा रह सकता था इस बुक का। तो ये बात जो है मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। और इसका जो है अगर बात करूँ कि मीन्स प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग जो है वो मुझे 600 रुपये में ये बुक पड़ी है। 600 रुपये में मुझे कैसे पड़ी है, तो ये जो है वो बुक क्या हुआ कि अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़न पे जाओगे तो आपको 700 या 750 के आसपास बुक मिलेगी। ओके और इसकी अगर MRP की बात करें तो MRP जो है वो इसकी 1000 है। तो उस समय जो है वो दिवाली का सेल चल रहा था, तो दिवाली का सेल पे अगर आप MedEasy की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो, MedEasy की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पे कहीं लिखी होगी, ये MedEasy.in है, लेकिन MedEasy पब्लिकेशन करके इसकी एक वेबसाइट है। तो उस पर अगर आप जाओगे तो उस समय उसमें 40% ऑफ का एक कूपन था, तो वो 40% ऑफ जब मैंने अप्लाई किया तो ये 600 में बुक मुझे मिल गई। लेकिन अगर आप जो है वो इसे अपने घर पे मंगाना चाहते हो तो फिर आपको 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा कुरियर चार्जेस देने पड़ेंगे, तो वो 700 हो जाता। लेकिन चूंकि मैं जो हूँ नोएडा में रह रहा था, दिल्ली से नज़दीक था, तो मैं जो है ये इन स्टोर पिकअप किया। मीन्स मैं MedEasy का वेयर हाउस देखना चाहता था कि आखिर MedEasy का कैसा है। हाँ ये देखो ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट है MedEasyPublications.org, तो इस पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आप जो है बुक परचेज़ करोगे तो ऑनलाइन में जितनी बुक में आपको मिलेगी उससे आपको सस्ता बुक यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट पहले करना पड़ता है, और कई बार ऑफ़र चलते रहती है। यहाँ पे आप वेबसाइट पे जाओगे ना तो यहाँ पे आपको ऑफ़र मिलेंगी। तो मुझे जो है 40% ऑफ़ का एक कूपन कोड मिला था, मैंने उसे अप्लाई किया। मीन्स वो वेबसाइट पे ही फ्लैश होते रहती है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई बाहर से कूपन कोड बताएगा। और फिर जो है वो उसको अप्लाई किया मैंने, फिर दिल्ली में जो है वो साकेत मेट्रो स्टेशन में, बता देता हूँ साकेत जो है वो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ के नज़दीक इनका वेयर हाउस है। तो वहाँ पर आप जाओगे तो ये बुक को आप परचेज मीन्स वहाँ पर आप जो है वो अपना ऑर्डर आईडी बताओगे तो ये बुक आपको वो दे देंगे और आपसे साइन करा लेंगे। तो आपको जो है वो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो अगर साकेत मेट्रो स्टेशन के नज़दीक जो है वो इनका अपना गोदाम कह सकते हो, वेयर हाउस, तो वहाँ से आप बुक को ले सकते हो। ओके तो वहीं से मैंने लिया, तो मुझे जो है वो सस्ता पड़ गया। लेकिन सही बोलूँ तो मुझे आने जाने में लगभग 4 से 5 घंटे लग गए, क्योंकि मैं नोएडा में रहता था, तो नोएडा में रहता हूँ तो नोएडा में जो है वो आने जाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं उस दिन और भी ज़्यादा जो है वो बस सोचा कि एक्सप्लोर करते हैं कि दिल्ली की बस कैसी है। फिर बस के वजह से मैं ट्रैफिक में आधा से 1 घंटा ज़्यादा लेट हो गया।
मुझे मेरा एक्सपीरियंस उतना भी अच्छा नहीं था ओके, क्योंकि जाने आने में 4 घंटा 5 घंटा वो भी सैटरडे का वीकेंड अपना बर्बाद किया मैं इस बुक की वजह से। और कुल मिला के मुझे बस ऑनलाइन से 40 या 50 रुपये का फ़ायदा हुआ कि अगर ये घर पे मेरे आते तो मुझे 40 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता और मैंने जाके लिया तो 40 रुपये बचा, लेकिन उसके एवज में मुझे 4 घंटा एक्स्ट्रा अपना वेस्ट करना पड़े। तो मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन जाके लेना अगर आपका घर दूर है तो सही होगा। या आप देख सकते हो कि हल्का मीन्स जब मैं फ़ोन को रोटेट मतलब हल्का साइड बाई साइड कर रहा हूँ तो ये होलोग्राम चमक रहा है, तो ये एक ओरिजिनल की भी निशानी होती है। तो बुक्स ऐसा है तो आप जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वेबसाइट पे जाना मेडिजी की और वहाँ से आप देख लेना, अगर कोई ऑफ़र चल रही होगी तो ऑनलाइन आप ले सकते हो। टोटल पेजेस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 833 पेजेस हैं ओके, और इसमें जो है वो जनरल एप्टीट्यूड और जनरल एप्टीट्यूड प्लस मैथ्स की भी प्रॉब्लम यहाँ पे इंक्लूड की गई हुई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आपकी और भी कोई क्वेरी होती है तो आप जो है वो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट की रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और मेडिजी की जो है वो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इसमें एरर कम होती है। अगर आप अदर पब्लिकेशंस के लोगे तो उसमें एरर थोड़ी ज़्यादा रहेंगी, मेडिजी में एरर कम होती है। और काफ़ी पुराना जो है वो एक टीचर्स की इनकी टीम जो है वो एक्सपर्ट्स की टीम इसे बनाती है, तो इसलिए जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन बस एक चीज़ है, अगर ये मेडिजी वाले मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सर आप लोग पेपर की क्वालिटी थोड़ी बढ़ा दो, ये काफ़ी पतली पेपर है, थोड़ा सा भी खींचतान करने पर फट जाती है। और ताकि ऐसे जो है वो अगर हम सेकेंड हैंड में भी बेचें तो कुछ पैसा मिले इसका ओके। सो ओके दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली कमेंट करना। बाय द वे बुक बहुत अच्छी है, मैंने इसे एक बार पहले भी बनाया हुआ है 2020 का, मेरे पास 20 या 21 का जो है वो बुक था तो उसे मैंने बेच दिया था। फिर ये 2024-25 वाला मैंने नया ख़रीदा है, वो मैंने अपने कॉलेज में ख़रीदा था, ये अभी मैं कॉलेज के पास आउट होने के बाद ख़रीद रहा हूँ। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है आप जो है वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, बाय।